हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ अचिंत हाजरा। आज रियल रिव्यू के अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक कैलीग्राफी ब्रश, जो कि इस तीनों का एक सेट आता है, कैलीग्राफी ब्रश। ओके, तो आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, धूप का कहर है। अभी समय हो रहा है 3:15, काफ़ी अच्छा लाइट्स है और हीट भी है साथ में। ओके, एनीवे, तो ये जो है ब्रश है, कैलीग्राफी ब्रश है, जो अवेलेबल है आपको रैप एंड उप के अंदर। और इससे पहले भी 2 टाइम चेंज हुआ है कैलीग्राफी ब्रश, और उसमें से ये बेहतर है। तो जिसके लिए मैं रियल रिव्यू के अंदर वही प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो अच्छा है। तो अभी भी आपको ये अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सस्ता है, नेचुरल हेयर है, आई थिंक ये गॉट हेयर है, जिसके वजह से अच्छा है। नेचुरल हेयर हमेशा अच्छा होता है। तो कैलीग्राफी ब्रश में कई सारे मार्केट में हैं, बट मुझे ये बेस्ट लगा, काफ़ी अच्छा लगा इसके प्राइस के अनुसार, ठीक है। और इसके साथ साथ इंडियन हैंडमेड, जो कि आप सभी जानते हैं, चित्रपट पेपर। तो चित्रपट में जैसे फुल इंपीरियल आता ही है, उसके साथ आपको उसके ब्लॉक आता है, पैड्स आता है। अभी ये क्या है, इस तरह से कटिंग होके आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया 70 and 440 GSM में। और ये जो साइज है क्वार्टर है, उसके बाद मेरे पास कुछ अवेलेबल है जैसे A4 साइज है। तो काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी अच्छा है, ड्राई पेपर है और काफ़ी अच्छा काम निकलता है। तो वो मैं आपको काम अभी थोड़ा सा शेयर करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बने रहिए, मैं छोटा सा एक डेमो देता हूँ। और उस लूज शीट को आप क्या करना है कि इस तरह से आपको मास्किंग टेप के जरिए अच्छी तरह इसको लॉक कर लेना, मास्किंग पेपर को अच्छी तरह लॉक करके रखें, क्योंकि वाटर कलर पानी में तैरना चाहिए। ओके, तो चलिए मैं कैमरा स्विच करता हूँ। तो एक छोटा सा डेमो मैं देखिए आपको इसका अंडरस्टैंडिंग करना चाहूँगा कि ये पेपर कितना अच्छा है। और ये ब्रश कितना अच्छा है। तो ये जो मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ, कलर सुपरविजन का है, सुपरविजन इंडिया। और पेपर यूज़ कर रहा हूँ इंडियन हैंडमेड। एक छोटा सा हिलस्केप है, जो कि मैं उसे ही कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। तो मैं जस्ट सिंपल करके इसे बनाना है आपको, इसके अंदर इसके पेपर और ब्रश की क्वालिटी समझ में आ जाएगा। और मुझे मतलब इतना अच्छा इसके अंदर कंट्रोल है कि मुझे ड्राइंग का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो जिसके वजह से मैं ड्राइंग भी नहीं किया और इसे डायरेक्टली थोड़ा सा ड्रम अप करते हैं अल्टामेन के साथ। थोड़ा सा मैं व्हाइट ये अल्टामरीन है। बाकी जो कुछ ब्लू है, उसके नाम्स जो है, अभी ये लॉन्च हुआ तो उसके नाम मुझे अभी याद नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम पे जब कलर के पूरा रिव्यू करूँगा तो मैं उसको आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी जस्ट आपको आपके चित्रपट पे
जो इंडियन हैंडमेड है, जो कि काफ़ी खूबसूरत एक चित्रपट है, उसके ऊपर मैं ज़रा प्ले करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना अच्छा है एक बिगनर्स के लिए, कितना अच्छा है ये। बहुत ही अच्छा आपको होता है इस तरह से पेपर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक कलर निकलना है में भी, जैसे पेंट्स का कलर वगैरह सब कुछ है। तो कलर का रिव्यू मैं अलग से करूँगा, हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगा। आप बस इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। तो ये इंडियन हैंडमेड है, आज तक हम अच्छा पेपर के ऊपर ही आपको दिखाते आ रहे हैं। अभी ये समय आपको जो एकदम जो बिगनर्स लेवल में जो ज़रूरत है, उस प्रोडक्ट के साथ भी हम रियल रिव्यू के अंदर लेके आ रहे हैं। हर एक चीज़ मैं लेके आऊँगा कि स्प्रे का क्या रोल है, टिश्यू का क्या रोल है, स्पॉन्ज का क्या रोल है। तो देखो, इस तरह से ड्रामा भी बहुत खूबसूरत होता है। और मेरा जो पेपर है अभी क्या है, फॉर 35 to 40 डिग्री पे है, जिसके कारण स्लोप नीचे की ओर बहता जाएगा। पैलेट को थोड़ा साफ करना होगा क्योंकि वहाँ पे जो पर्वत है, जो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करने से मजा आएगा, वो लाइक वायलेट कलर थोड़ा। सिंपल कैलीग्राफी ब्रश के साथ हम प्ले कर रहे हैं सुपरविजन कलर को लेकर के, इंडियन हैंडमेड जो कि चित्रपट के ऊपर स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन, वो 15% उनके लिए ऑफ है, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऑनलाइन क्लास के भी डिटेल्स रहेगा, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज़रूर। ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, एक बहुत आपके एकदम सिंपल है और इंडियन हैंडमेड है, और कितना काम का है आप अभी समझ पा रहे हो। और इसी इसी ब्रश के जरिए मैं कर रहा हूँ कैलीग्राफी ब्रश। रियल रिव्यू के अंदर वही सामान आपको दिखाया जाएगा जो आपके आपको बेनिफिट रहेगा। टिश्यू के जरिए लिफ्टिंग लिफ्टिंग सब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं जरूर दिखाऊंगा टाइम टू टाइम। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एक हिलस्केप हमने उसके ऊपर ड्रामा ये सब बड़े आसानी से इसके ऊपर कर पाया।
चलो इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, जब भी आप टेप लगाते हो इसको बाहर की दिशा में, नहीं तो क्या उसमें इंडियन हैंडमेड उतना इसमें फाइबर नहीं होता जिसके वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो इसके जो ऊपर का जो लेयर भी उठ सकता है, जिस तरह से यहाँ पे अभी एक्सीडेंटली उठाई है। तो आपको क्या करना, मास्किंग टेप का मुख जो है बाहर की ओर रखना है, जिससे आपको सही डायरेक्शन में, मतलब बाहर की ओर रखेंगे तो वो निकलेगा नहीं, निकलेगा तो बाहर की तरफ जाएगा बट निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा डेमो था आपके लिए इस इंडियन हैंडमेड जो चित्रपट के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह से जो ब्रशेस है और जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ जो भी अच्छा है, इस रियल रिव्यू के अंदर आपको जरूर शेयर करूँगा। और तब तक के लिए टाटा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।